चलो लेट्स स्टार्ट। अभी जो मेरा फ़ोन है वो इस तरह से कुछ दिख रहा है, मतलब वो सब कुछ बिखरा हुआ है और इस टाइप की लुकें आ रही है, तो इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है सेटिंग्स में और जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाके हम लोगों ने होम स्क्रीन एंड लेआउट करना है, जिससे मतलब हमारे पास होम स्क्रीन्स भी आएगी और ऐप स्क्रीन्स भी आएगी। अभी फ़िलहाल मेरा हुआ हुआ है होम स्क्रीन ओनली, हमने ऐप स्क्रीन वाला भी करना है, ठीक है, जिससे कि हमारे होम स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा। अभी फ़िलहाल हमारी सेटिंग और सारी ऐप स्क्रीन भी एक बार पास खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिंटरेस्ट पे जाना है, ठीक है। प्रिंटरेस्ट पे जाके आपने कुछ चेक करना है, लाइक मैंने जैसा ग्रीन कलर का करना था तो मैंने ग्रीन एस्थेटिक किया है, ठीक है। आपने फिर ग्रीन आइकन्स करने हैं सेलेक्ट, आपने ग्रीन वॉल पेपर्स ढूंढने हैं, तो आपको सबसे पहले इस तरह करके ना लिखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को पर्पल करना है तो वो पर्पल लिख के करे, जिसको पिंक करना है वो पिंक लिख के, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा है ग्रीन एस्थेटिक वॉलपेपर्स, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मुझे पसंद आएंगी वो मैं डाउनलोड कर लूँगी। वॉलपेपर भी है, एक हमें वॉलपेपर चाहिए, एक हमें लॉक स्क्रीन चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए। उसके लिए हम ग्रीन एस्थेटिक पिक्चर्स करेंगे, आइकन्स करेंगे, वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब वो चीज़ें हैं तकरीबन जो मैंने डाउनलोड कर ली हैं, पिक्चर्स हैं, आइकन्स हैं और वॉलपेपर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने अपने मोबाइल में एक दफ़ा ही डाउनलोड कर लेनी है सारी चीज़ें। सबसे पहले हम अपना होम स्क्रीन सेट करेंगे और लॉक स्क्रीन सेट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये पिक्चर्स चाहिए तो एंड पे मैं डाल दूँगी, या आप बता दें फिर मैं आपको ये पिक्चर्स शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, या जिस तरह से। होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन सेटअप हो गया। अब हमें ना विजिट्स करने हैं, लाइक हमें एक लॉक चाहिए और एक वेदर वाली ऐप चाहिए, तो हम जाएंगे विजिट्स में, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करें आपको विजिट्स होंगे, वहाँ से आपने क्लॉक भी जाना है और आपको जो भी पसंद है आप वो सिलेक्ट कर लें। मतलब मैंने ये सिंपल वाली सिलेक्ट की है, आप कोई भी और भी कर सकते हैं। एक्चुअली बेसिक काम यह है कि जो ये कलर्स हैं ना क्लॉक या वेदर के जो होंगे, हमें उनको चेंज करना है। अब ये हमारे पास ब्लैक शो हो रहा है तो हमें इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके हमारे पास वाइट मोड होता है और ब्लैक मोड होता है, तो हमें वाइट कर लेना और उसको फिर लाइट कर लेंगे, ताकि हमें थोड़ा ये उससे मिल जाए, वॉलपेपर मिले और थोड़ा एक जैसी लुक दे, ठीक है। उसके बाद हम वेदर वाली ऐप सेट कर लेंगे, वेदर सेट कर लेंगे। अच्छा, वेदर और उसकी तो सेटिंग्स आपने देख लिया। अब हमें ना एक ऐप चाहिए होगी पिक्चर्स को ऐड करने के लिए, तो उसका ऐप का नाम है सिंपल फोटो, ठीक है, सिंपल फोटो विजिट। ये ऐप है, इस तरह से होगी और दिखेगी किस तरह। मैं साथ आपको एक पिक्चर भी दिखा दूँगी, अटैच कर लूँगी। आपने यहाँ पे जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ऐड कर देना, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपको पिक्चर्स का टेम्पलेट सा शो हो जाएगा। आपने सेटिंग्स में जाना है, फ़ोटोज़ में जाना है, फ़ोटो को ओपन करेंगे, जो आपने प्रिंटरेस्ट से पिक्चर्स डाउनलोड किए ना ग्रीन कलर में, एस्थेटिक पिक्चर्स जो भी आपने डाउनलोड किए,
कुछ लिखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी है, एक दफ़ा आप कर लेंगे उसके बाद आप रोज़ रोज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसका इतना मुश्किल नहीं है ये। बस आपको एक तरह की पिक्चर्स ढूंढ के उनको सेटअप कर, हम पेज पहला भी तैयार कर लेंगे और सेकंड वाला भी पेज इसी तरह से ना पिक्चर्स ऐड करके एक ही दफ़ा, एक ऐप खोली है तो एक ही दफ़ा सारा काम कर लेते हैं ना, बार बार एक चीज़ करेंगे फिर दूसरी ऐप खोलेंगे तो एक ही दफ़ा खोल के सारा कर लेते हैं। दोबारा सिंपल विजिट वाली में जाएंगे, फ़ोटो में जाएंगे और ऐप ओपन करके दो तीन पिक्चर जो भी हमें और ऐड करनी है, जिस तरह से आपको अपना थीम खुद बनाना है उस तरह से आप ऐड कर लेंगे। सिंपल सा काम है, इसके आइकन पे क्लिक करना है और ऐड कर देना है। अच्छा ये देखिए हमारी दोनों पेजेस की पिक्चर्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं और ये इस तरह से कुछ लुक दे रहा है, ठीक है। फाइनल सा फाइनल में इस तरह से लुक आ रहा है। अब हमें एक और ऐप चाहिए ऐप्स के लिए, ये है एक्स आइकन चेंजर, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी, आपने जाना है इसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने कुछ आइकन्स डाउनलोड किए हुए होंगे, आइकन्स आपको जाएंगे, आप प्रिंटरेस्ट पे जाएं, आप लिखें ग्रीन आइकन्स, ब्लू आइकन, पर्पल आइकन, आपको आइकन हर कलर में मिल जाएंगे। आपने इसी तरह जाके ऐप्स में जाना है, जो ऐप का आपने आइकन डाउनलोड किया हुआ, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, किसी भी चीज़ का आइकन आपने डाउनलोड किया हुआ, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपको जिस तरह का भी उसका लेआउट चाहिए, लाइक ये सर्कल में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल, जिस तरह का भी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करना है आपने, ऊपर और ओके पे क्लिक करना है। अब ये ऐड का ऑप्शन आ गया, अभी आपकी होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको मैनेज करना है, आपको आपने जितने आइकन्स चेंज करने हैं एक ही दफ़ा सबको चेंज कर लिया। मैंने इंस्टाग्राम का किया, फेसबुक का किया, क्रोम का किया, दो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा देती हूँ। आपने क्लिक किया है, ठीक है, उसके बाद आपने फ़ोटो पे जाना है, ठीक है। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप जाएंगे गैलरी में, गैलरी में जाके आपने अपने आइकन को सेलेक्ट करना है, लाइक स्नैपचैट का आइकन है या जिसका भी। अब मैंने इंस्टा का आइकन सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर ओके पे क्लिक किया। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लोडिंग देगा, उसके बाद ऐड हो पे क्लिक करेंगे आपकी होम स्क्रीन ऐड हो जाएगी।
अच्छा जी सीन्स कुछ यूँ हैं कि सारे आइकन्स मैंने ऐड कर लिए हैं स्क्रीन में, ये देखें ये सारे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है आइकन्स शो हो जाएंगे। फिर आपको सिंपल करना है जिधर जिसको डालना है, लाइक मुझे जिस आइकन को आपको जिस जगह पे रखना है आपको वहीं पे जाकर उसको उठाना है और पेस्ट करना है। बेसिकली ये क्या करता है, ये डबल आइकन बना देता है, ठीक है। अब आपने ये इस तरह से किया और ये देखें हमने सिर्फ आइकन्स को उनकी जगह पे प्लेस करना है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल 3-4 स्टेप्स हैं बस, आपने वो फॉलो करते जाना है और आपका फोन ऐसे एस्थेटिक दिखेगा। सिंपल तो चले जनाब, मेरा काम तो हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।